हेलो डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लास्ट सेशन में क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर वो स्फेरिकल है दैट कैन बी कॉन्केव एज वेल एज दैट कैन बी कॉन्वैक्स तो उसको हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ था अब पहले हम उनके ऑल द पॉसिबल केसेस को डिस्कस करते हैं शॉर्ट वीडियो में पहले हमें ये पता है कि अगर हमें किसी भी सफेरिकल सरफेस को कॉन्वेक्स डिसाइड करना हो या कॉनकेव हो, हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं तो ध्यान रख लीजिए अगर किसी भी सरफेस का ये आपको पता है इफ द रियरर मीडियम इज ऑन द कॉनवेक्स साइड राइट right? ये कॉन्वेक्स साइड है और रियरर मीडियम अगर इधर है तो ऐसी सरफेस को हम सिंपली कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं दूसरा ये वाला सरफेस ये इसका कॉनकेव पोर्शन है और इसका रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इधर लाइक like कर रहा है रियर एंड मीडियम सॉरी इधर लाइक like कर रहा है तो जब रियर एंड मीडियम कॉन्केव साइड लाइक करता है वी कॉल सिंपलीट एज कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सर्फेस तो ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होगा ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होगा इट इज डिसाइडेड बायर एंड मीडियम और रियर एंड मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स इज लेस इन कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम नाउ कमिंग टू द पॉसिबल केसेज अब जो रिफ्रैक्शन हो सकता है दैट कैन हैपन फ्रॉम रियर टू डेंसर

सो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस जो हमें इधर डिस्कस uh, करना है अगर रियल इमेज बनेगी तो वी नो रियल इमेज अगर ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है यहां पर और ऑब्जेक्ट यहां से रे चली गई एंड वी नो द नॉर्मल ऑफ द कर सरफेस पास थ्रू द सेंटर और यहां पर जो एंगल बना द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस वी नो दिस वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन क्लास और ये कैसे प्रूव होता है uh, we have ये वाली डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस यहां पे इमेज कैसी है? बनती है अगर इमेज इस साइड बनती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस साइड साइड है, है, के पे इमेज 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 बनती उस को हम रियल कहते हैं। और जब रियल इमेज बनेगी तो हमने इसको डिराइव किया है और प्रूव भी किया हुआ है पॉजिटिव होगा फाइन क्योंकि हम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर को मेजर करते हैं अब सेम केस है, है तो कॉनवेक्स क्योंकि इधर हमारा जो है रेयर मीडियम है फाइन तो दिस इज डिसाइडेड बाय दिस यहां पे रेयर मीडियम है और यहां पे हमारा जो है डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू अब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका म्यू है अगर इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाए उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस में भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो जब वर्चुअल इमेज बनेगी और अब अगर हमें उस केस में रिफ्रैक्शन की इक्वेशन को निकालना होगा दैट इज माइनस यू म्यू वन डिवाइडेड बाई यू प्लस म्यू टू डिडेड बाई वी माइनसू माइनस म्यू वन और आर सेम इक्वेशन सेम रिलेशन बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने इसको डिराइव भी किया था यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखिए ये यहाँ पे यू होगा ये यह यहाँ पे वी होगा और ये यह यहाँ पे आर होगा आर तो हमारा पॉजिटिव है यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव तो उस केस में आप अगर कॉन्वेक्स सरफेस है इमेज वर्चुअल है तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे यहां पे मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सम अपप किए हुए आपके लिए रियल इमेज जो है ना हमेशा ऑन द साइड ऑफ द सफेरिकल देखिए आप इसका कर्वेचर देखिए इसको सफेरिकल साइड बोलते हैं अगर इस साइड बनी कोई इमेज तो वो रियल इमेज होगी अगर इसके साइड बनी इसके अपोजिट साइड यहां पे इमेज बनी वो इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं ठीक है वर्चुअल इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वर्चुअल इमेज भी वहीं बन जाती है अभी तक सिर्फ हमने कॉन्वेक्स किया है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट इज एड फ्रॉम द रियर गोइंग टू नाउ कमिंग टू द सेम केस अभी हम कौन के सरफेस ले लेंगे कौन के सीफेरिकल सर्फेस ले लेंगे और कौन के सीफेरिकल सर्फेस में वर्चुअल इमेज बनाएंगे कौन केव आपको पता है यहाँ पे रियर होगा ये वाला रियर इट शुड बी रियर एंड इट इज अच्छा लिखा हुआ है पे फाइन अब इस केस में क्या होगा ये कौन केव है रियर में क्या बोला मैंने वर्चुअल इमेज में क्या बोला मैंने कि जहा पे ऑब्जेक्ट हो इमेज भी उसी साइड बनेगी तो यहाँ पे इमेज बन जाती है ये नॉर्मल होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा वी नो और इस केस में जो आर होगा दैट इज नेगेटिव जो मैंने लिख रखा है v जो होगा नेगेटिव होगा u जो होगा नेगेटिव होगा व्हेन वी डिराइव दिस रिलेशन एंड वी गेट दिस अल्टीमेटली बाय यूजिंग द सिंपल ट्रिगोनोमेट्री एंड कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन यूज करके हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा माइनस म्यू वन और यू प्लस म्यू टू डिड बाई वी माइनस म्यू वन अपन आर इसमें आर नेगेटिव आएगा रिलेशन वहां से ही आ जाता है अब यहां तक जो था वो रेयर टू तो डेंसर था अब अगर हम केस को रिवर्स कर दें अब हमारा केस जो है दैट इज और यहीं से मैग्निफिकेशन वाला केस भी हमने डिस्कस किया था अगर रिफ्रैक्शन हो जाए फ्रॉम डेंसर टू रियर सफेरिकल सरफेस ही है अब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट को जो है ना डेंसर में रखना है दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज रेयर आई का मतलब क्लास में भी हम डिस्कस करते इमेज को ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा हुआ है एंड दिस यू विल बी नेगेटिव इमेज यहां बनी इट विल बी टेकन पॉजिटिव आर भी यहां पर नेगेटिव है जनरल इक्वेशन जो अभी तक हम फ्रेम करते आ रहे हैं देखिए यही इक्वेशन म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाईस म्यू टू माइनस म्यून यही रखना है साइन कन्वेंशन आप यहाँ लिख लीजिए म्यू टू डिड नेगेटिव है म्यू वन वी हमारा पॉजिटिव है म्यू टू माइनस म्यू वन अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे दिस इज द दर और ये आर नेगेटिव होगा क्योंकि आप पोल के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो जब हम इसको पुट करेंगे ना वी विल गेट म्यू वन माइनस म्यू टू सिंपल साइन सॉल्व करने पर ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कहां पे लगता है ये ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है डेंसटोरियरर और स्पेरिकल uh, सरफेस जो है हमारी ये आपको पता ही है हमारी कॉन्केव है फाइन आपको ये सॉरी कॉन्वेक्स है आपको आई गेस ये समझा क्योंकि रियरर कॉन्वेक्स साइड हमारा रियरर है यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ये कॉनवेक्स है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस अब अगर हमारा रिफ्रैक्शन है

इमेज फाइन अच्छा प्रीवियस केस में देख लीजिए ऑब्जेक्ट इधर है इमेज अदर साइड है तो ये तो रियल इमेज है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इमेज रियल है यू हैव टू यूज दिस रिलेशन आर विल बी टेकन इनकेसेटिव या आप डायरेक्टली ये रिलेशन निकाल के लगा सकते हो इन दैट केस यू हैव टू राइट म्यू वन माइनस म्यू टू अगर आप साइन कन्वेंशन लगाओगे यू कैन राइट म्यू टू माइनस म्यू वन और माइनस आर लेकिन अगर हमारी वर्चुअल इमेज है वर्चुअल इमेज का मैंने सिंपल तरीका क्या बताया जहां पे इमेज है जहां पे ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड और इमेज भी बन जाए तो ये ऑब्जेक्ट है तो दिस विल बी माइनस यू दिस विल बी माइनस वी एंड दिस इज आर आर क्या होगा ये वाला राइट right? दिस इज पॉजिटिव फाइन तो इक्वेशन में पुट कीजिए ये वाली इक्वेशन जो चल रही है हमारी इसमें पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में यू विल गेट दिस रिजल्ट माइनस म्यू टू तो डिड बाई माइनस यू माइनस ऑफ माइनस म्यून डिवाइडेड बाई माइनस वी इक्वल्स टू माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इसको ना याद रख के आप डायरेक्टली ये इक्वेशन को याद रख लीजिएगा म्यू टू डि क्योंकि वी हमारा नेगेटिव है क्योंकि हमारी सरफेस जो है कॉनकेव है तो बेटर है कि हम इस इक्वेशन को याद रख लें नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है हमारा अगर ऑब्जेक्ट को आपने डेंसर मीडियम में रखा और इमेज रियल या वर्चुअल बन जाए ये फाइनल क्रक्स है इसका और इमेज चाहे कॉन्वेक्स हो या कौन के सरफेस पे हो इमेज रियल हो या वर्चुअल हो उस केस में आपको फॉर्मूला ये रखना है और अगर इमेज इज गोइंग फ्रॉम अदर रिफ्रैक्शन इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इंटरचेंज करने पे हमारा आप डायरेक्टली यूज कर सकते और जो क्वेश्चन आपको दिया था आप ये कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगाएंगे आई होप आपका वो सॉल्व हो जाएगा वेरी इजली थैंक यू